और आज से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है। दिन की शुरुआत में ही संसद परिसर में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस सांसद प्रताप सिंह बाजवा और मनीष तिवारी ने एबीपी न्यूज से बातचीत की, आइए सुनाते हैं। एक तरफ केंद्र सरकार संसद में बिल ला रही है तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने को लेकर के, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के सांसद समेत जो तमाम विपक्षी दल है वो हमको यहाँ पर गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और प्रदर्शन की अगुवाई खुद कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया गांधी कर रही हैं। और देख सकते हैं कि किस तरीके से सोनिया गांधी भी यहां पर मौजूद हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें अधीर रंजन चौधरी और कांग्रेस के जो तमाम नेता, अब से जो कुछ देर पहले जो विपक्षी पार्टियों की बैठक हुई है उसके बाद में वो यहां पर विरोध प्रदर्शन के लिए पहुंचे हैं। और देख सकते हैं कि किस तरीके से इस वक्त जो है तीनों जो कृषि कानूनों के मुद्दे पर ही यहाँ पर चर्चा हो रही है। कहा यह जा रहा है कि जो केंद्र सरकार जिस तरीके से जो कानून लेकर के आई थी उनको तो रद्द करें और किसानों की जो और मांगे हैं उन पर भी यहां पर विचार किया जाए। प्रताप सिंह बाजवा साहब हमारे साथ में हैं। बाजवा साहब, विरोध प्रदर्शन, सरकार तो जो तीनों कृषि कानून रद्द कर रही है लेकिन विरोध अब किस चीज का? विरोध इन बातों का है कि रिपील के अलावा बहुत सारी और मांगे। रिपील तो जहाँ से शुरू हुआ है वहाँ खत्म हो गया। जो बेसिक डिमांड्स हैं वो MSP की उसकी लीगल गारंटी दी जाए, उसके अलावा कॉम्पनसेशन दिया जाए। जो 700 से ज़्यादा लोग शहीद हुए हैं उनकी कॉम्पनसेशन की बात है, उनको नौकरियों की बात है, उसके अलावा जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है उसकी वापसी की बात है। तो बहुत सारे मुद्दे हैं। तो सर अभी बैठक हुई, बैठक में तय क्या हुआ? सदन की कार्रवाई चलेगी? नहीं चलेगी। नहीं चलेगी तो सर ये तीनों कृषि कानून फिर कैसे रद्द होंगे? नहीं, ये तो रद्द होंगे जरूर जी, मगर उस पर बहस भी मांगेंगे, अपना विरोध रखेंगे जी। ये तो नहीं हम कह रहे कि हाउस ना चलने दें, मगर अपना विरोध रखेंगे, अपना विरोध रखेंगे। देख सकते हैं ये जो तस्वीरें हैं ये संसद भवन परिसर की है। मनीष तिवारी जी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। मनीष जी, सरकार तो कह रही है कि तीनों कृषि कानून रद्द कर रहे हैं, अब किस चीज का विरोध? देखिए, कृषि कानूनों के अलावा MSP का भी मुद्दा है। जो 700 किसान शहीद हुए हैं इस संघर्ष में, उसकी जिम्मेवारी किसकी बनती है? इसके अलावा जो लखीमपुर खेरी में हिंसा हुई है, निर्दोष किसान मारे गए हैं, उसकी कौन जिम्मेवारी लेता है? तो कई और ABP News आपको रखे आगे।